नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो व्यूअर्स जिसे देखना पसंद नहीं करते, कृपया एक मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। बिगनर्स को जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वह है उनकी कंपनी यानी के साथी। अगर वह ऊंचे सपने रखते हैं और मेहनती हैं तभी उनके साथ चलिए। अगर आप यंग हैं तो केवल नया मोबाइल फोन, गर्लफ्रेंड, लड़ाई झगड़ा या नशों की बात करते हैं तो उनसे अलग हो जाइए। या किसी उम्र के में केवल दूसरों की बुराई या कंप्लेंट ही करते ही रहते हैं तो भी उनसे दूरी बनाकर रखिए। केवल सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ ही रहिए और जो आपको सही राय दे सकें, थोड़े इंटेलिजेंट आपसे होने चाहिए। थोड़ा शेयर बाजार को सीखने की कोशिश कीजिए। 25,000 की नौकरी के लिए आप घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ देते हैं। नतीजा यह है कि आप दूसरी जगह पर डर के माहौल में जीते हैं, क्योंकि नेचुरल जीवन तो नहीं ना जल्दी में कवर कर सकते आप। तो शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट कीजिए। 20-25 हजार तो क्या बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं? 20-25 हजार तो गोलगप्पे कमाने वाला भी कमा लेता है। तो इसलिए आप इस सोच को छोड़ दीजिए कि हमने नौकरी ही करनी है। तो ये सोच अगर छोड़ देंगे तो ये आपका अपने आप का बहुत ज्यादा भला करेंगे आप। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि काफी लोग ये छोड़ रहे हैं। हमारे आस पड़ोस के लोग काफी बच्चे हैं जो छोटी छोटी नौकरियां छोड़ के वापिस आ गए हैं और यहीं छोटे मोटे काम शुरू कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए शेयर लेके आए हैं वह डिफेंस क्षेत्र की कंपनी का शेयर है। कंपनी डेट फ्री है। ब्रोकरेज फर्म ने बहुत ऊंचा टारगेट दिया है। बहुत बड़ी फर्म है और उसने बहुत ऊंचा टारगेट दिया है। 3 महीने में 23% का रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो शेयर है। हर एक आदमी को 2025 के अंदर पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर को रखना चाहिए या रखने की सोचना चाहिए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए, आप लाइक कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन हमारी टीम को बहुत अच्छी लगती है और मोटिवेट करती है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को शेयर जरूर कीजिए। हम बात करेंगे आज आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर पर। हम इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल समझेंगे, फिर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड एरोस्पेस घटकों और टरबाइन का निर्माता है और एरोस्पेस रक्षा ऊर्जा और तेल गैस उद्योगों में मूल उपकरण निर्माताओं OEM को अपने उत्पादों की आपूर्ति करता है। OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। उत्पाद पोर्टफोलियो, उत्पाद प्रोफाइल देख लेते हैं। कंपनी अत्यधिक इंजीनियर जटिल मिशन और जीवन महत्वपूर्ण उच्च परिशुद्धता फोर्स्ड और मशीनी घटकों जैसे 3D घूर्णन, एयरफाइल और टरबाइन इंजन के ब्लेड मांगों और गैस परमाणु और थर्मल टरबाइनों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करती है। सभी बड़ी बड़ी मशीनरी की घटक बनाती है, पार्ट्स बनाती है। ग्राहक, कंपनी के ग्राहकों में ऊर्जा, एयर स्पेस, रक्षा, तेल और गैस उद्योगों में ग्लोबल OEM शामिल है। इसके जो ग्राहक हैं उनमें कंपनी के ऊर्जा वाले कंपनियां, एयर स्पेस, रक्षा, तेल और गैस उद्योगों में ग्लोबल OEM जो उनको उनकी ये इंटरमीडिएट है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो वर्ल्ड के, उनको ये माल सप्लाई करती है। जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल इंटरनेशनल, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, सीमेंस एनर्जी, ईटन एरोस्पेस, मैन एनर्जी सॉल्यूशन SC आदि है।
सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति। इस कंपनी का अधिकांश यानी 90% राजस्व वैश्विक OEM से प्राप्त होता है। कंपनी अमेरिका, चीन, यूरोप, मध्य पूर्व और जापान में घटकों की आपूर्ति करती है। कंपनी आर एफ वक्यू और RMP, कंपनी RFQ और RFP के तहत आदेश प्राप्त करती है। LTA और LTC 3 से 10 साल के अनुबंध करती है। ज्यादा राजस्व 85% तक ऊर्जा से आता है। कंपनी के पास हैदराबाद में 4 विनिर्माण इकाइयां हैं, तेलंगाना में भी 2 विनिर्माण सुविधाएं हैं। शीर्ष 5 ग्राहकों से ही 63% तक का रेवेन्यू आता है और 10 ग्राहकों से 80% तक का रेवेन्यू आ जाता है। हमने अभी कंपनी के बिजनेस मॉडल पर बात की है, जो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है, उभरती हुई कंपनी है। और आप ये समझिए कि फ्यूचरिस्टिक क्षेत्र की कंपनी है। हमने मार्केट कैप 9,516 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक PE 162 है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 21.50% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.80% है, जो थोड़ी कम नज़र आती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी कर्ज मुक्त है, डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज है, जो वो 14% है, जिसे थोड़ा कम कहा जाएगा। तेगा इंडस्ट्रीज, राजू इंजीनियर्स इसकी पीयर कंपनी है। कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे पेश करती है, इस बार तो अभी आई नहीं है, क्वार्टर वन के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। YoY कंपनी ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए थे, ईयर ऑन ईयर, जो FY 23 और FY 24 के हम समझने के लिए कंपनी की ग्रोथ को देख लेते हैं। सेल 252 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में बढ़कर 341 करोड़ हो गई। OPM 29% था, जो बढ़कर 34% हो गया। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से सीधा 59 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी सेल में वृद्धि है, OPM भी बहुत बड़ा है, 5%, नेट 5% बढ़ा है, 29% से सीधा 34% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 8 करोड़ से सीधा 59 करोड़ हो गया। रिजल्ट बहुत हेल्दी कहे जाएंगे। इस कंपनी के पास के पैरामीटर्स को भी समझते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 41% है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 72% है। शेयर कैपिटल 12 करोड़ है। रिजर्व 633 करोड़ है। बोरिंग 39 करोड़ है। डेट फ्री कंपनी है, पहले भी मैंने आपको बोला है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 45 करोड़ है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। कैश फ्लो प्लस 9 करोड़ है, हेल्दी है, किसी तरह की कोई कैश की दिक्कत नहीं आती कंपनी को, अपने सोर्सेज से ही सब काम कर सकती है वो। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 16% से बढ़कर 22% हो गई, जो काफ़ी बढ़ोतरी है। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी में भी बढ़ने की उम्मीद है। तो पिछले 16% थी पिछले साल, जो बढ़कर 22% हो गई, काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 65.90% है, काफ़ी अच्छी है ये। 9.69% FII जो है, DII 3.44% है, पब्लिक के पास 20.98% है। तो दोस्तों, इसे शानदार क्षेत्र की कंपनी, डिफेंस क्षेत्र की कंपनी में फॉरन फंड्स ने भी 9.69% की इक्विटी ले रखी है और डोमेस्टिक फंड्स ने भी 3.44% की इक्विटी ले रखी है। तो उन दोनों का इसमें प्रवेश करना कंपनी में और इतनी अच्छी इक्विटी का रखना एक अनदर विटनेस हो जाती है कि कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है। तो दोस्तों, अब हम आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर प्राइस पर चर्चा करेंगे। क्या इस समय इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना उचित है? दाम 1600 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2080 रुपये और 524 रुपये है।
स्टॉक पी 162 है जो सेक्टर पी से अधिक है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके क्वार्टर वन FY 25 के रिजल्ट्स के बारे में बहुत उत्सुकता दिखाई है। यह न केवल भारत में बल्कि अब तक की सबसे उभरती कंपनियों में से एक होने जा रही है। यह कई विदेशी कंपनियों को भी चुनौती देगी। कुछ बाजार के जानकार इस शानदार कंपनी का 5 साल का लक्ष्य 5,000 रुपये बता रहे हैं। 3 महीने में 23% की रिटर्न दी है। एक विश्लेषक इस शेयर को कवर करता है, वह मजबूत खरीद के पक्ष में है। ICICI सिक्योरिटीज ने 2,450 रुपये का टारगेट दिया है और खरीद का टैग दिया है। अभी दाम 1,600 रुपये है, यानी कि 50% अधिक। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्ष में 3,400 रुपये तक यह शेयर जा सकता है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट थी हमारी आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर पर। अगर आपको ये रिपोर्ट्स अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।